हेलो फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका किचन रिलेटेड विद सीमा में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी चटपटी स्प्रिंग रोल रेसिपी। तो फ्रेंड्स बारिश का मौसम है और हम इंडियन कुछ चटपटा ना खाए ये तो हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स इसे आप एकदम इजी तरीके से बना सकते हो, घर पे बना सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें क्या लेना होगा, हमें यहाँ पे सूजी लेनी है। सूजी आप मोटी पतली कैसी भी हो वही जाने तो पेट में ही है। तो मैंने यहाँ पे सूजी ले ली, सूजी में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, ज़्यादा ना डाले इसे आप कहीं डालें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेजरमेंट मेरा 2 कप सूजी, आप अपने हिसाब से घर में जितना खाना चाहो उतना कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल के जो है इसको अच्छे से गूंथ लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा मात्रा में डाला है क्योंकि सूजी है तो पानी तो पिएगी। तो यहाँ पे सूजी को देखिए कितना आपको लग रहा है पतला पतला, तो मैंने यहाँ पे पूरा जो सूजी को कर लिया आप देख सकते हो एकदम से, मतलब थोड़ा पतला आटा हमारा जो लगा, अब ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए जिससे कि हमारी सूजी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूजी अब्सॉर्ब कर ले। तो सूजी आप देख सकते हो कितनी टाइट हो चुकी है, आप जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है। तो यहाँ पे हम सूजी को जो हथेली की सहायता से, हाथ की सहायता से चिकना कर लेंगे तो 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे। तो देखिए हमारी सूजी जो है एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम बना लेंगे छोटे छोटे लोई, लोई आप मीडियम साइज के ही बनाइएगा, छोटे ही बनाइएगा। और सारे लोई जो मैंने बना लिए, अब यहाँ पे हम हमारी जो सूजी की लोइया है वो बेलेंगे। तो मैंने यहाँ पे चकले पे थोड़ा सा बेल आटा डाल दिया है, मतलब सूजी ही डाली थी। इसे छोटी सी हम बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ी हमें नहीं बेलनी है। फिर मैं आगे बताऊँगी कि आपको बड़ी क्यों नहीं बेलनी है। तो यहाँ पर हम इसे बेल के साइड में कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी इतनी बड़ी हमने जो रोटी है पूड़ी है वो बेल के रखी है, स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो हमने बेली है। तो एक हम और बेल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी दोनों बराबर मात्रा में बेल चुकी है। और अब हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पे हमारी बेली हुई सूजी स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो रख देंगे और थोड़ा सा आटा और लगाएंगे, मतलब हम सूजी है वही लगाई है। और यहाँ पे मैंने रख दी है एक और शीट और दोनों को साथ में बेल लेंगे। तो आप जितना बड़ा, जितनी लंबी, जितनी चौड़ी मतलब बिल सकती है उतनी आप बेलें। ये नहीं कि छोटी सी बेलें, जितनी बड़ी हो सके आपसे बिल सके और हो सके जितनी पतली, यानी कि एकदम पापड़ जितनी पतली आपको बेलनी है। तो देखिए मैंने कितना बड़ा इसको आकार दिया। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवे का जो है इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने वो रोटी जो है या शीट जो है कहते हैं उसे मैंने डाल दिया है और इसे दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो देख सकते हो कि आपने मेरी जो स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो सीख चुकी है और यह देखिए दोनों अब एक दूसरे से अलग हो रही है। तो हमें हमारी स्प्रिंग रोल की जो शीट है वो ऐसे ही तैयार करनी है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारी स्प्रिंग रोल की स्टफिंग जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जो तेल गरम कर लिया था और तेल में मैंने यहाँ पे डाल दिया था हरी मिर्च और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिए थे 2 स्लाइस किए हुए प्याज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज को हम थोड़ा सा पका लेंगे जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो अब मैंने यहाँ पे ले ली है 2 शिमला मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है। इसे भी 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है पत्ता गोभी जिसे मैंने एकदम से बारीक बारीक कट कर लिया है। वैसे आप ज़्यादा कम कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पे 1/2 किलो के लगभग जो है पत्ता गोभी है वो ली है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पत्ता गोभी भी हमें तेल में तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, यानी कि इनका जो क्रंच है वो बना रहना चाहिए। एकदम से हमें नहीं पकाना है, थोड़ा हल्का पकाना है लेकिन ये तेल में थोड़ी सी बैठ जाए और इसमें इस हिसाब से पानी नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी थोड़ी सी बैठ चुकी है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/2 चम्मच के लगभग पीसी हुई काली मिर्च और साथ में अभी आप डाल देंगे सोया सॉस। सोया सॉस मैंने 2 छोटी चम्मच डाली है और यहाँ पर मैंने डाला है विनेगर और अब मैंने यहाँ पर डाला है टमाटर सॉस। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास चिली सॉस हो तो आप वो भी ज़रूर डालिएगा, मेरे पास तो नहीं भी था और मैंने डालना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो खाते हैं तो उन्हें थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा लगती, तो मैं उन्हीं का ध्यान रखते हुए मेरे घर में जो चीज़ें हैं वो बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको है मैंने 1 से 2 मिनट के लिए जो पका लिया था। अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे पूरा जो 5 रुपये का पैकेट आता है अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाला है। आप घर में हैं तो घर में कूट के डाल दीजिएगा, मेरे पास तो नहीं था तो मैंने 1 पैकेट मंगा लिया और वो पूरा का पूरा इसमें डाल दिया। इससे क्या है टेस्ट कुछ ज़्यादा ही अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने 1 मिनट के लगभग और पकाया था जिससे कि इसका जो अदरक लहसुन का पेस्ट है कच्चापन वो निकल जाए। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और फ्रेंड्स इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम ले लेंगे पनीर। पनीर मैंने 100 ग्राम के लगभग लिया था और फ्रेंड्स इसे जो है मैंने लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है और अब पनीर को भी हम इसी में डाल देंगे। और ध्यान रखें कि हल्के हाथों से ही आपको जो है इसे ऊपर नीचे करना है, यानी कि आपको एकदम लाइटली ही इसे पूरी में मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये खाने में रोटी के साथ भी बड़ी टेस्टी लगती है, लेकिन फ़िलहाल मैंने स्प्रिंग रोल के लिए स्टफिंग बनाई थी तो हम उसी में यूज़ लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ले ली एक छलनी, छलनी के नीचे रख ली है थाली और छलनी में जो है मैं ये जो पूरा मैंने मिश्रण है यानी कि पूरी स्टफिंग है वो डाल दी, जिसमें इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें सारा निकल जाएगा, वरना हमें जो स्प्रिंग रोल में जो स्टफिंग डालेंगे वरना वो सारा पानी जो है स्प्रिंग रोल में बाहर निकलेगा और वो सही नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने छलनी में डाला है और छलनी में डालने से सारा पानी निकल गया। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, साथ में ले लिया थोड़ा सा पानी। तो इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक इसके सारे लम्स जो है वो नहीं निकल जाए। ये हमारा किस काम आएगा, ये हमारा आएगा स्प्रिंग रोल की शीट बनाने में, यानी कि हम जो ग्लू होता है एक चेपने वाला है, फिर भी कोई होता है, फिर भी कोल होता है, ग्लू होता है, उसका ये काम करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरी जो सीड है वो ले ली है, दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे तो ये बहुत ही इजीली अलग हो जाती है, इसमें कोई झंझट वाली चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो कितना पतला बना है ये, एकदम से ये पतला बनाना है, बिल्कुल भी मोटा नहीं बनाना है, देख सकते हो आप, और कितना अच्छा बन के ये रेडी हुआ है। तो हम सारी सीड्स को है ऐसे ही अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा जो ग्लू हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर का वो वाला ले लेंगे, और बनाने के बाद में देखिए साइड में लगा दिया है जिससे कि हमारी जो हमें स्ट्रैपिंग भरेंगे और इसे एक मतलब स्प्रिंग रोल का जो आकार देंगे वो चिपकाने में ही हमारी मदद करेगा। तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको जो स्प्रिंग रोल की जो है शेप है वो हमें देनी है, और जिस तरह से आप चेपते जाओ चिपकाते जाओ उसी तरह आप ग्लू जो है यानी कि वो फिर भी उसका स्टोरी बनाया था मैंने कॉर्नफ्लावर का, उसे अच्छे से चेपते रहेंगे। तो देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से आपको मैं फिर से ऐसे कोशिश बता रही हूँ कि आपको ऐसे चेपना, तो देखिए मैंने अच्छे से इसे कर दिया है। और अभी जो कॉर्नर निकले हुए हैं कॉर्नर को भी हम वही वाला ग्लू लगा के अंदर डालेंगे और एकदम अच्छे से इसकी शेप देंगे। तो सारे हम ऐसे ही बना लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। तो ये तेल की कढ़ाई तो आपको पता ही है कि मैं लगभग यही रखती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे तेल का कुछ बनाना होता है तो मैं इसी में बनाती हूँ, क्योंकि फिर जब अलग अलग बर्तन रखते हैं तो वो सारे जल जाते हैं। तो मैंने हाई फ्लेम पे जो है तेल अच्छे से गरम कर लिया था और मैंने इनको जो स्प्रिंग रोल को है वो डाल दिया। तो देखिए कितना अच्छा हमारा स्प्रिंग रोल का जो कलर है वो आया है, और आप 1, 2 से 3 या 4 तक भी डाल सकते हो, इससे ज़्यादा आप ना डालें। और देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे स्प्रिंग रोल है गोल्डन हो चुके हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना, इतने ज़्यादा कि बस पूछो मत। रेडियो पे जो मिलते हैं वो अच्छे तो हमें लगते ही हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं होते, क्योंकि वो हाइजीनिक होते हैं। एक तो वो रोड पे मिलते हैं, दूसरी बात पता नहीं वो कौन से तेल में बना के रखते हैं। घर में हम बना के खाते हैं तो बहुत ही साफ़ सफाई से बनाते हैं और बहुत ही अच्छे और टेस्टी भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुके, कितने सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स अब हम तीनों को यहाँ पे इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के हैं आप उन्हें भी फ्राई कर लीजिए। तो देखिए हमारे सारे जो है स्प्रिंग रोल फ्राई हो चुके हैं और आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी बने हैं, आप इनकी आवाज़ जो है सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो देखिए मैं आपको एक स्प्रिंग रोल जो है कट करके बता रही हूँ, और देखिए आप अंदर से कितनी इसकी स्टफिंग कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी है। तो देखिए हमारे सारे स्प्रिंग रोल बनके एकदम से रेडी है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अगर आपको मेरी थोड़ी भी वीडियो अच्छी लग रही होगी, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।